दोस्तों ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक फ्यूल पंप है। तो ये सुपर क्या बोलता है ग्लैमर BS6 मॉडल के ये मेरे पास में गाड़ी, इसको खोल के रखे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ था ना कि जैसे इग्निशन ऑन करने के बाद में टंकी से देखिएगा साउंड निकलता है, तो वो अगर ना निकले, आप इग्निशन घुमा रहे साउंड नहीं निकल रहा और बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप किसी मैकेनिक के पास में जा करके आप इसको सॉल्यूशन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पे, बताऊंगा फ्यूल पंप को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, वॉश करके अपना काम करवा सकते हैं, या तो अगर फुल्ली ये डेट हो गया तब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले एक बार किसी मैकेनिक के पास जा करके आप इसको एक बार खोल करके इसको क्लियर करना है, मतलब पूरा क्लीन करना है इसका, इसका अंदर से कितना डस्ट निकलेगा इस वीडियो पर दिखाई मिलेगा आपको। तो मैं दिखाऊँगा इसको कैसे इसको साफ़ करना है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये पूरा डेट हो जाए, मतलब पूरा ख़राबी हो गया, तो तब तो चेंज ही करना पड़ेगा। तो एक बार आप किसी मैकेनिक के पास जा कर के इसको एक बार क्लियर करवाइए, उसके बाद अगर लगाइए, अगर नहीं ठीक हो रहा तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको पहले फिर देख लेते हैं हम लोग प्रोसेस कि इसको क्लीन कैसे करना है। जैसे मेरे पास में एक ट्रे, देखिए ट्रे रखा हूँ, और यहाँ पे देखिए पूरा फ्यूल पंप को खोल के रखें। इस तरह आपको खोल के रखना है किसी मैकेनिक के पास में जाकर, क्योंकि आप तो घर पे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं कर सक पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह एक एक वीडियो देखते रहिए ताकि आप मैकेनिक को आप समझा सकते हैं कि इस तरह आपको काम हो होता है। और ये देखिए फिल्टर है ना, फिल्टर देखिए काफी काला नजर आया, देखिए इसमें से कितना निकलेगा। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लेना है और इसको झाड़ना है और इसको साफ करना है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मैला निकल रहा है, और यहाँ पे इसको एक बार टैप करना है ना, ऐसे जैसे ठोकना है, देखिए काला काला निकलेगा इस तरह। देखिए इस तरह, देखिए कितना काला काला निकल रहा है, इसको ठोकना है, घिसना है, ठोकना है। तो चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ इस तरह ठोक के, उसके बाद आगे की तरफ दिखाएंगे आपको। देखिए कितना डस्ट इसमें से निकला ये फिल्टर से। तो इस तरह अगर निकलेगा ना, तब जानिएगा कि पंप चलने लगेगा। ठीक है, तो और ये पंप को भी वॉश करना है। पंप को कैसे वॉश करना है मैं भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा रिक्स ही होगा, लेकिन ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पंप का अंदर में भी ये कचरा गया है, क्योंकि ये फिल्टर से खींच निकला ना, तो फिल्टर से भी खींच के इसमें घुस जाता है, तब क्या होता है ना पंप चलने बंद हो जाता है। इसका सिर्फ कचरा निकालेंगे इसमें डाल करके, देखें इसमें डाल देंगे और पंप को घुराएंगे। उसका थोड़ा सा रिक्सी है, लेकिन आपको संभल के करना है ये चीज़। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको उसी तरह दो इस तरह तार जोड़ना है, माइनस प्लस इस पर लिखा हुआ है, आपको देख लेना है, माइनस प्लस है ना, ये देख लेना आपको। और उसके बाद ये मोटर को पूरा तेल में आप डुबा दीजिए, इस तरह पूरा डाल दीजिए, जैसे पूरा मोटर अंदर तक चल जाए। ठीक है, अब इस तरह जानी चाहिए और थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है ऐसे। एक बैटरी भी लगेगा आपको, बैटरी आपको यहाँ टच करना पड़ेगा, इस तरह बैटरी को टच करना है। थोड़ा सा मोटर को इशारा से पकड़ना होगा, हाथ देखिए इस तरह पकड़ो बहू, इस तरह पकड़ना होगा कि ताकि नाचे नहीं वो, क्योंकि नाचेगा। देखिए कितना प्रेशर मारा है, यानी प्रेशर मारा ना, इस तरह प्रेशर मारना चाहिए। देखिए उसके बाद बिल्कुल घुराएंगे ना थोड़ा देर तक इसको, और उसके बाद इसका जो तेल है ना पूरा काला हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका अंदर से डस्ट निकलेगा। ये देखिए तेल फेंक रहा,
पूरा काला डस्ट आपको दिखाएंगे, आपको देखते हैं। रुकिए निकालिए तो इसको, ये अब इसको ऐसे उठा लेना है, उठा के रखना है आपको कहीं पे अलग जगह पे, अलग जगह पे इसको रखना है। और इसका देखिए तेल में आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए काला काला नज़र आ रहा है ना, ऐसे देखिए ये कितना डस्ट निकला है। देखिए तो ये पंप से भी डस्ट निकलता है, पंप को क्लियर करना चाहिए इसी तरह। उसके बाद आप जैसे खोलते हैं सेम उस तरह फिटिंग करके लगाना है। तो चलिए मैं फिटिंग करके मिलते हूँ, गाड़ी के साथ फिटिंग करेंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसका पंप बंद आई थी गाड़ी, जैसे टंकी में उलट के रखा हूँ, बंद आई थी तो मैं डायरेक्टली खोल दिया था, इसलिए आपको दिखा नहीं पाई थी कि उस प्रॉब्लम को, लेकिन हम बता दे रहे आपको कि चलिए मिलते हैं और इसको फिटिंग करके फाइनली टंकी इस पर लग गया है। अब इसमें क्या करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। आपको ना जैसे खोले थे आप उस तरह लगाना होगा, टंकी को थोड़ा सा उठाओ ना बाबू, और इग्निशन को ऑन करो, देखिए पेट्रोल यहाँ से फेंक रहा है कि नहीं। हाँ अरे बाबा ये रुक जा, आस्ते आस्ते ये देखते पूरा बिक दिया, मतलब ये चालू हो गया, क्योंकि पहले ना बिल्कुल चल मतलब चल ही नहीं रहा था पंप, यहाँ से पेट्रोल ही नहीं आ रहा था। तब ये पाइप को हम लगाते हैं, थोड़ा सा उठा के रखो बाबू, पाइप को लगा लेते बाइक को एक बार देखते स्टार्ट होता कि नहीं। यहाँ से ऐसे ठेल के लगाना, ये टक से आवाज़ किया मतलब लग गया, आपको आराम से लगाना है। उसके बाद इसको टंकी बैठा दो, आप बैठा दो, बाकी का काम बाद में करेंगे, पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं टंकी। ये बैठा रहा छोटा टेनी है, ये कर ले से इग्निशन ऑन, डिस्प्ले पे लाइट आ गया। देखिए आप लोग को शायद साउंड सुनाई देगा, ये देखिए पूरा कर रहा गूं, सेल मार दो बाबू, देखिए स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ओ बैटरी डाउन है, किक मारो, मेरा एक तीनों उस्ताद है ना, बहुत मास्टर है। देखिए बाइक को स्टार्ट कर दिए लोग, बाइक को स्टार्ट कर दिए लोग तीनों, पहले तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था, हो गया ना स्टार्ट। तो इसी तरह अगर बाइक का पंप अगर ना चले तो एक बार मैकेनिक के पास में ज़रूर जा कर के इस तरह क्लियर करवाइए, अगर चांस तो 80% चांस रहता कि फिर से ये ठीक हो जाता है, क्योंकि जितना कार्बन निकला ना इतना कार्बन निकलने से फिर से ठीक हो जाता है कार्बन निकालने के बाद में, ये जो कचरा वगैरह है। तो अगर फिर भी ना चले तब आप फ्यूल पंप को चेंज करिए, रिप्लेस करिए, ठीक है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए अच्छी धन्यवाद। तो चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा,